ये बताए कि भारत नेपाल जो सीमा है जो यूपी से लगने वाली सीमा है उसकी रक्षा की जवाबदेही किस पर है ये बताइए अभी उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का मामला बहुत चर्चा में था क्या है ये उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं कितने तरीके से चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश की हवा में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ दोनों ही तरह के बॉलर खूब हो रहे हैं ये बताइए हलाल और हराम में क्या फर्क है राम की अवधारणा गांधी के हिसाब से वही है जो सत्योगी राम की है या कुछ अलग तरीके की है गुड मॉर्निंग बैठिए अमरीश थैंक यू सर अपना परिचय दीजिए सर मेरा नाम अमरीश है अमरीश कुमार है मैं उत्तर प्रदेश के सर अमेठी जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन अपने गृह जनपद से किया है सर <स्थी> और मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है साथ ही मैंने नेट डी की परीक्षा भी सर उत्तीर्ण की है और वर्तमान में मैं अपने पिताजी के प्रोफेशन में सर उनकी हेल्प करता हूँ मेरी हॉबीज़ में सर बाइक राइडिंग रिलीजियस ट्रेवल और क्रिकेट प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट है सर क्या है पिताजी का प्रोफेशन सर कृषि है सर पॉलिटिकल साइंस में आपने बीए और एमए किया है यस सर और आप खेती कर रहे हैं नेट भी क्लियर कर लिया था आपने 2017-18 में यस सर तो अध्यापन का कार्य तो आपके आप उसके लिए पात्र हैं नेट ये ये क्लियर करने के बाद आपने प्रयास किया नहीं किया नहीं किया सर क्योंकि लगातार मैं पीएससी का एग्जाम देता रहा हूँ सर मैंने दो बार सर यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है एक बार मैंने सर पी उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है तो आप खेती कहा गाँव में रह के करते हैं सर गाँव में ही रह रह के में रहकर तैयारी कर रहे हैं यस सर वहीं पढ़ाई करते हैं यस सर तो पढ़ाई करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध हैं सर उपलब्ध हैं क्योंकि सर घर पे आसपास सर माहौल अच्छा है पढ़ने का हमारे गांव के आसपास सर अच्छा शहर के नज़दीक है गांव सर अमेठी शहर से कितना दूर है यस सर गौरीगंज शहर के नजदीक है सर टाउन एरिया है सर ओके तो सबरबन है यस सर ओके तो अमेठी शहर आजकल चर्चा में है यस सर तीन सही कारण बताइए चर्चा के और तीन गलत कारण बताएं सर तीन सही कारण में कि वहाँ पे सर जो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ है इसके चक्कर में सर वो रहता है कि उनके द्वारा जो रचनाएँ लिखी गई हैं भारत में जो सहिष्णुता और सर जो सामाजिक समरसता है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और सर दूसरा कारण है कि वो शुरुआत से सर भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की सर लोकसभा सीट रही है इसलिए वो चर्चा में लगातार बना रहता है और तीसरा सर सकारात्मक कारण ये है कि वहाँ पे कई सारे सर जो भी विद्यालय हैं और इसके साथ साथ सर कई सारे मेडिकल कॉलेज और सर इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वहाँ सर एक तो एच है, है सर हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड सर है ये सी सी सीमेंट की फैक्ट्री है सर भेल है सर सेल है और ये सारी चीज़ें सर वहाँ पे विद्यमान है इसलिए तो इतने सारे कल कारखाने हैं तो बेरोजगारी तो नहीं होगी उधर सर बेरोजगारी देखने को मिलती है गाँव स्तर पर क्योंकि सर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई का दायरा है सर और एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें बनने का वो हो नहीं पाया है ठीक है तीन गलत कारण बताइए जिससे वो चर्चा में रहता है सर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत रहती है सर दूसरी चीज़ सर वहाँ पे स्थानीय स्तर पे सर लोकल स्तर पे थोड़ा सा कानून व्यवस्था की भी समस्या देखने को मिलती है और तीसरा सर एक आ, कारण रहा है कि एक जगदीशपुर करके सर वहाँ पे ब्लॉक पड़ता है वहाँ पे सर थोड़ा हिंदू मुस्लिम हुए थे अभी हाल तो स्टेट के के से, से, से तो खेलते थे राजस्थान लेकिन उनका सर जो नेटिव प्लेस था वो उत्तर प्रदेश अमेठी जिले में ही था तो आपको क्रिकेट पढ़ खेलना पसंद है कि खेलना पसंद है ठीक है मैंने सर बनारिंदू यूनिवर्सिटी में सर दो साल तक वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी भी निभाई है बीजू की टीम में था उत्तर प्रदेश से बहुत सारी महिला खिलाड़ी भी भारतीय टीम में शामिल हुई हैं पुरुष खिलाड़ी भी हैं यस सर तीन महिला खिलाड़ियों का नाम बता दीजिए जो भारतीय टीम में शामिल रहे हैं और तीन पुरुष खिलाड़ियों का सर महिला खिलाड़ियों में सर कनिका सिंह है हाल ही में खेल रही हैं रेणुका सिंह है वो उत्तर प्रदेश के सर लखनऊ शहर से आती हैं उसके बाद गाजियाबाद से सर एक महिला खिलाड़ी और है सर लेकिन नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक आगरे से खिलाड़ी ने बॉलिंग में बड़ा कुछ कमाल किया सर। है सर दीप्ति शर्मा शायद है सर पुरुष खिलाड़ी का नाम बताए पुरुष खिलाड़ियों में सर पंकज त्रिपाठी ने सर ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए जो डेब्यू किया है सर वो हम हमारे जिले अमेठी से ही आते हैं उसके साथ सर हमारे गिर के बगल वाले जिले से सर रुद्र प्रताप सिंह आते हैं और तीसरा सर भुवनेश्वर कुमार है कई सर यूपी में बॉलर महिला महिलाएं भी बहुत अच्छी बॉलर हुई हैं और पुरुष भी बॉलर हुए हैं यस सर उत्तर प्रदेश की हवा में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ दोनों ही तरह के बॉलर खूब हो रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ की पिच हम देखेंगे या ग्रीन पार्क की जो ट्रेडिशनल पिच रही है सर उसको हम देखते हैं तो बॉलिंग ट्रैक ही ज्यादा बनाए जाते थे इसलिए मेरे को लगता है सर कि ऐसा हो रहा है अच्छा बैट्समैन उस मुकाबले कमजोर रहे यस सर बैट्समैन कमजोर रहे हैं चाहे मोहम्मद कैफ को ले लें सर उनका भी रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया सर सुरेश अच्छा। रैना ने अच्छी क्रिकेट खेली है लेकिन अपेक्षाकृत कम रहे हैं और नामों के इर्द गिर्द उनकी अच्छा कि भारत नेपाल संबंधों में यूपी की क्या भूमिका है सर यूपी भारत का हर्ट लैंड कहा जाता है और बिसेंटिस ने उत्तर प्रदेश को सर आ, म्यूजियम ऑफ इथनीसिटीज कहा है और उत्तर प्रदेश का डायरेक्ट कनेक्शन सर शुरुआत से ही प्राचीन काल से ही रहा है नेपाल से और मधेसी पॉपुलेशन वहाँ की काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश के नेटिव पॉपुलेशन के सर साथ मैच करती है इसलिए महत्वपूर्ण सर और भारत दक्षिण भारत कोरिया संबंधों में यूपी क्या भूमिका है सर अयोध्या में कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा थे यहाँ के सम्राट थे और उनकी शादी सर वहाँ के साउथ कोरिया की रानी से हुई थी अच्छा ऐसा मानते हैं प्रिंसेस से हुई थी यस सर अच्छा कौन से रह जाते सर वो तो नाम नहीं याद है मेरे को बताइए इतनी महत्वपूर्ण शादी हुई हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी नहीं है रिकॉर्ड में हम लोग कमज़ोर हैं यस सर क्या कोई वहाँ पर आ, अयोध्या में बनाया गया है उसकी यादगार में कोई सभागार वगैरह सर सभागार तो कई सारे बने हैं अभी हाल ही में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे कई सारे चल रहे हैं लेकिन सर पार्टिकुलर नाम नहीं याद है अच्छा ठीक है मेरा अंतिम प्रश्न है ये कहें कि भारत नेपाल जो सीमा है जो यूपी से लगने वाली सीमा है उसकी रक्षा की जवाबदेही किस पर है सर सशस्त्र सीमा बल पे अच्छा एस एस बी पर और कौन कौन सी जवाबदेही है? तो है सर वो वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं सर कि मतलब जो आ, उत्तर प्रदेश सर भारत और नेपाल सीमा है उस पर आवाजाही अवैध रूप से जो भारत नेपाल सीमा के अलावा और किसी देश भूटान के साथ भूटान के साथ और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा कौन करता है सर इस बी एस एफ करती है सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत पाकिस्तान वाली सीमा सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अच्छा यस yes, सर और भारत श्रीलंका वाली सीमा सर श्रीलंका की सीमा स्थलीय नहीं है सर ओके इसलिए कोई सेना से नहीं होती yes, भी मैनेजमेंट करती होगी सर या कोस्ट गार्ड भी मैनेजमेंट करता होगा तो डायरेक्ट से सर संपर्क स्थलीय संपर्क नहीं है सर वहाँ से श्रीलंका से चलिए ठीक है ये बताइए कि बाइक राइडिंग आपको पसंद है यस सर तो वीडियो वगैरह बनाते हैं इस पर नहीं सर वीडियो नहीं बनाते हैं हमारा क्लब है पांच से सात लोगों का सर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश और भारत के कई सारे शहरों की सर यात्रा करते हैं यात्रा से प्लानिंग करके निकाल के यात्रा किस तरह की सर रिलीजियस यात्रा जनरली रहती है तीन जगह बताइए जहाँ पे आप बाइक से जाना चाहेंगे सर पहला तो सर चित्रकूट जाना चाहूंगा मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से बाहर सर मैं जाना चाहूंगा सोर टेम्पल देखने के लिए तमिलनाडु और तीसरा सर लद्दाख अभी हम लोगों का में प्लान भी है जाने का ठीक है मतलब रिलीजियस यात्रा में कोई भी धर्म से जुड़ी हुई यात्रा ये सर उसका इशू नहीं है अच्छा ये बताइए अभी उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का मामला बहुत चर्चा में था क्या है हलाल सर्टिफिकेट सर जो मतलब इस्लाम के अनुरूप सर ऐसे खाद्य पदार्थों को दिया जाता है जो कि इस्लामिक कानून में सरिया के अनुसार सर वो खाने लायक बनाए जाते हैं हलाल का मतलब क्या होता है हलाल का पवित्रता से लेना देना है सर उसका मतलब हिंदी में पवित्रता होगा इसी के आसपास का शब्द है कौन सा शब्द है ये सर ये अरबी शब्द ये है अरबी शब्द यस सर कौन देता है ये सर्टिफिकेट सर ये भारत में सर एक संस्था है इस्लामिक करके नाम सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं भारत सरकार सर। नहीं देती सरकार नहीं सर सरकार सरकारी संस्था नहीं देती ये सर अच्छा ये बताइए हलाल और हराम में क्या फर्क है सर हलाल जो है वो पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है हराम जो है सर वो निगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई कोई काम कर रहा है सर अगर उसके वे ऑफ थिंकिंग और पॉजिटिव है और वो सकारात्मक मूल्यों के साथ काम कर रहा है तो उसको हलाल कहा जाएगा और कोई सर जैसे झूठ बोलता है या ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं आप हंड्रेड परसेंट श्योर है सर आप श्योर हैं यस सर अच्छा तो ये बताइए कि पहले कविता आई या कहानी सर ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं घर पे तो बचपन में दादी कविता और कहानी साथ में दोनों सुनाती थी तो ऐसे सर तो पहले लोरी आई या कहानी? सर, लोरी आई है कहानी कहानी होती ये, है सर सकता होती? समझ रहा हूँ सर वो कुछ गान में भी बातें चलती हैं सर कुछ डायरेक्ट कहानी में भी चलती हैं तो इसलिए सर बाईफ करना थोड़ा मुश्किल है अच्छा यस सर तो बाकी जो जितनी भारत में रचनाएं हुई हैं शुरुआत में वो कविता के रूप में हुई सर, है कि के उसको के गाकर पढ़ा जाए यह सर के रूप में शुरुआती हुई जैसे ऋग्वेद को हम पहला सर प्रमाणिक स्रोत मानते हैं तो उसमें सर वो पद्य के ही स्तर लिखा गया अच्छा ये बताइए हम कोई कहानी कहीं पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं सर, या फिल्म देखते हैं तो ये सुनना एक्सेप्टेबल लगता है कि एक गरीब किसान था यस सर पर ये सुनना एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि एक अमीर किसान था नहीं सर ऐसा भी नहीं है क्योंकि कई सारे परिवार हम अपने यहां खुद देखते हैं वो कृषि से ही शुरुआत से जुड़े रहे हैं और उनका सर मतलब परिवार सही से चलता है पैसे वाले भी हैं काफी कृषि से ही हुए हैं होते तो हैं पर एक्सेप्टेबल क्यों नहीं लगता है लोगों को सुनने में सर मैं तो ऐसा नहीं मानता क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ मैंने ऐसा कुछ अंतर बहुत विशेष नहीं देखा है सर अच्छा भारत के स्तर पर लेकिन पुस्तकों तो में पढ़ने पर सर ये चीज देखने को मिलती है कि कृषक को प्राय जो है गरीब के तौर पे ही दिखाया जाता है इसका एक बड़ा कारण सर ब्रिटिश शासन के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसको लेके हम कैसे अच्छा उसके पहले, पहले मामला ठीक चल रहा था उसके पहले सर इतना रिसर्च नहीं है इस चीज कि को लेके कि कृषकों की अवस्था कैसी थी लेकिन बावजूद उसके ये कह सकते हैं हम कि सर जो हमारे यहाँ से पैसे और कृषि पर लगातार दबाव बढ़ा है हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण वो प्रक्रिया कम थी पहले ठीक है एक आखिरी सवाल ये, ये बताइए कि अभी किस जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रयास किया जाए अलीगढ़ का नाम सर बदलकर हरिगढ़ करने का प्रयास किया जाए ठीक सर थैंक यू सर अमरेश ग्रेजुएशन मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यस सर ठीक है तो इसे क्या कहना चाहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी University. सर इंग्लिश में वो सर वहां पे जब हम बोर्ड पे देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखा रहता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ठीक yes, है मुझे ये बताएं कि आ, महामना और महात्मा यस yes, सर ये दो बड़े स्टॉल वर्ड हमारे yes, पर्सनैलिटी भारत के इतिहास में yes, सहमति के साथ yes, असहमति किन किन मुद्दों पे थी इन दो महान पुरुषों के बीच में सर वो इंडिया की कोर फिलोसफी को प्रमोट करते महामाना जी और महात्मा जी को अगर हम देखें तो इन्होंने सर भारत में राम के चरित्र को प्रमोट करने का प्रयास किया उनके अनुसार समाज को सत्युग के समाज की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया और महामाना जी सर प्रेग्मेटिक थे और वो आदर्शवादी अपेक्षाकृत गांधी जी से कम थे ये कम्युनल अवार्ड को लेके महामना और महात्मा जी के बीच में जब मैं महात्मा कहता हूँ तो महात्मा गांधी यस सर मैं समझ रहा हूँ यस सर ठीक है क्या सहमति और असहमति थी सर कम्युनल अवार्ड को लेके जब अंबेडकर जी इनसे सहमत नहीं थे कांग्रेस से उन्होंने जब स्कड्यूल कास्ट के लिए सर अलग से मत प्रक्रिया के लिए सर सीट्स मांगी थी तो उन्होंने सर इस चीज का गांधी जी ने विरोध किया और मैं बात करना चाहता हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय सर उन्होंने मध्यस्थता की थी बात करवाने में दोनों की अच्छा तो, सर। तो उनका ये मानना था कि क्योंकि अगर भारत के विभिन्न समाजों में विभेद होगा तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो संघर्ष है सर वो ढीला पड़ जाएगा दोनों व्यक्तित्व में सबसे पहले कौन जो है पैदा हुआ महामाना जी या फिर गांधी जी सर महामाना जी पैदा हुए वो सीनियर थे अठारह सो अड़सठ के आसपास अड़सठ अड़सठ में वो पैदा हुए थे और गांधी जी अठारह सौ उनहत्तर में पैदा हुए थे सर एक दो साल का ही श्योर सर थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं है। मुझे बताया कि हाल ही के दिनों में हमने ये देखा है कि जो राज्यपाल हैं कई राज्यों के राज्यपाल चुनी हुई सरकार के साथ उनके वैचारिक मतभेद सामने निकल कर आए हैं क्या ये प्रजातंत्र के लिए ठीक स्थिति है सर प्रजातंत्र के लिए सही स्थिति तो नहीं है लेकिन सर कई जगह राज्य सरकारों का कार्यकलाप भी सर इतना सही नहीं रहा है कि अंतर तनाव देखने को मिला है जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर सर कोई भी राज्य सही न्यूज अगर हम ले लें सर तो पश्चिम बंगाल में इंस्पेक्शन के लिए ईडी टीम गई थी सर तो वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया गया जो कि अनएक्सेप्टेबल है सर ठीक है परिस्थिति में उसको स्वीकार नहीं किया तो उस स्थिति में जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ले सकती है सहारा ले yes, ठीक है इस संदर्भ में कोई कमीशन बना है कि ये केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल yes, की भूमिका सारे सर कमीशन बने हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सरकारीया कमीशन है सर उन्नीस सौ में बना उसकी रिपोर्ट उन्नीस अच्छा ये आपको क्या लगता है सरकारीया कमीशन की जो रिपोर्ट है वो yes, अभी तक लंबित है उस पर कोई सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है सर कई बार कई सारी रिपोर्ट्स पे काम भी हुआ है कई रिकमेंडेशन मानी भी गई है लेकिन जो कई सारी रिकमेंडेशन है राज्यपाल के सर कार्य प्रणाली को लेके उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है सर राज्यपाल का पद समाप्त नहीं कर देना नहीं, चाहिए नहीं सर समाप्त करना उचित नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक पद है सर और हमारे फाउंडर फादर्स ने अगर डाला है तो सर बहुत सोच समझ के ही डाला होगा तो इसलिए पहला तो ये बिंदु है इसके समर्थन में दूसरा बिंदु सर वो राज्य का एक नॉमिनल हेड है जो भारत के गणतांत्रिक प्रक्रिया वार्तालाप में बताया कि गांधी जी राम राज्य के प्रमोशन के बारे में बात कर रहे थे ये, ये, ये राम और आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी यस सर तो आप मुझे बताएं कि राम राज्य की अवधारणा यस गांधी के हिसाब से वही है जो सतयुगी राम की है या कुछ अन्य अलग तरीके की सर गांधी जी भी केंद्रीकृत प्रवृत्ति को सर प्रमोट करते थे उनके अनुसार राम राज्य के अवधारणा में सर मूल्यों को महत्व दिया गया था और सत्युग का जो राम राज्य था सर वो प्रशासनिक प्रक्रिया पे आधारित था तो थोड़ा सा अंतर यह देखने को मिलता तो है सर जब आप एक आदर्श राज्य की बात कर रहे होते yes, हैं तो एक अल्टरनेटिव राज्य की बात होती है इसको yes, बेगमपुरा राज्य भी कहते हैं yes, ये किसने दिया सर बेगमपुरा राज्य सर मैं रिकॉल नहीं आदर्श राज्य की अवधारणा के, के संबंध में सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा। बेगमपुरा राज्य सर सिख कम्युनिटी के विद्वान थे सर उन्होंने दिया था लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चलिए कोई बात नहीं मुझे बताएं कि अमरीश उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है yes, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं yes, कितने तरीके से चुने जाते हैं सर मुख्यतः सर पांच तरीके से चुने जाते हैं और एक नॉमिनेशन होता है सर नॉमिनेशन होता है yes, जो नॉमिनेशन होता है उनकी सदस्य संख्या कितनी बारह बारह है, है, है. Yes, उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है या yes, नगर पालिकाएं yes, आपने कहा अभी कि आपका जो गृह जनपद है या गृह स्थान है वो टाउन एरिया है सब अर्बन है सर वहाँ पे अभी भी गांव ही है सर वो लेकिन टाउन से नजदीक है तो ठीक है यदि वहाँ के हम जो स्थानीयता है उसके प्रशासन के संदर्भ में क्या कार्य योजना है नगर निगम से करता है नगर पालिका करता है या टाउन एरिया समिति करती है कौन करता है सर जो हमारे यहाँ है तो नगर पंचायत है सर नगर पंचायत है किस तरीके से नगर पालिका के कार्य से इसका सर, है? नगर पालिका जो होती है वो बृहद शहरों के मतलब देख रेख और रख रखाव का काम करती है और जो सब अर्बन सिटीज होती है सर उसके लिए नगर पंचायत की अवधारणा दी गई है इसका उच्च अधिकारी जो अपॉइंटेड है या फिर कौन होता है सर वो जो मेम्बर चुने जाते हैं उनके वोट्स के द्वारा वो चुने जाते हैं सर ठीक, ठीक। ओके सर थैंक यू अयोध्या की लोकप्रियता आने वाले समय में लगातार बढ़ने वाली है पर्यटकों का आवाजा बढ़ने वाला है इससे कई फायदे होंगे ये सब लोग जानते हैं क्या क्या नुकसान संभावित है सर पहला तो ये हो सकता है कि ज़्यादा गैदरिंग के कारण सर मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि प्रदूषण बढ़ सकता है सर पहली समस्या ये हो सकती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के कारण सर जो विजिबिलिटी है सर विजिबिलिटी में कमी आ सकती है तीसरा नुकसान ये हो सकता है सर नदी बहती है वहाँ से तो नदी के पॉलूषण की भी समस्या आ सकती है अच्छा फायदे क्या क्या हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष सर प्रत्यक्ष फायदों में सर गाइड जैसे कई सारे सर जो सेक्टर खुलेंगे उससे रोजगार का निर्माण होगा रोजगार सृजन होगा और दूसरी चीज़ सर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो इससे जो है सर शहर का ढांचागत विकास होने से सुंदरता भी बढ़ती है सर और तीसरी चीज़ सर धार्मिक स्थल होने के कारण सर उसका अपना एक अलग महत्व है क्या इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा भी की समस्या भी कुछ कम हो जाएगी यस yes, सर ये अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में राम मंदिर के निर्माण से सर काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी सुधार होने के कारण जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे दिल्ली के नज़दीक होने के कारण सर हम जब लखनऊ और दिल्ली के बीच का क्षेत्र देखते हैं तो अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अधिक विकसित दिखता है इसका सबसे बड़ा रीज़न सर दो राजधानियों के बीच का क्षेत्र होना है ठीक है अमरीश आपका इंटरव्यू हो गया आप जा सकते हैं ये सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर आइए अमरीश थैंक यू सर बैठिए बैठिए थैंक यू तो आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं इधर यू पी एस सी पी सी एस आज क्या लग रहा है सर सही लगा मेरे को सही लग रहा है सर सही ठीक है तो कितने अंक मिल जाएंगे ऐसे परफॉर्मेंस पर सर पचहत्तर से ऊपर मिलने चाहिए ठीक है ठीक है, <laughs> है। आ, अच्छी बात है देखिए अमरीश आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है आपकी नॉलेज में डाइवर्सिटी है यस सर और आप अपनी बातों को तथ्य के आधार पर तर्कसंगत तरीके से कह रहे हैं अच्छी ये ये बात है लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पचहत्तर के बजाय अस्सी आ जाए बयासी आ जाए पचासी तक लोगों को आते हुए देखा गया है पिछली बार छियासी सबसे ज्यादा हाँ छियासी देखा गया है तो गुंजाइश अगर है तो उसकी कोशिश कीजिए तो दो तीन चीजों पे थोड़ा सा काम करना सर yes, एक तो ये लग रहा है कि आपकी एंट्री ठीक है yes, बैठने की भंगमा में थोड़ा सा सुधार करिए ओके सर अभी तो खैर आपने बटन खोल लिया उस वक्त बटन बंद था तो वो ध्यान रखिए कि खोल यस सर दूसरी चीज है कि आप आगे झुक के बैठे हुए हैं यस yes, सर तो थोड़ा स्ट्रेट होना है हाँ थोड़ा पीछे चले जाएं पूरा सहारा ले ले वो जो पीठ है ना कुर्सी की यस सर उसका सहारा लेके और सीधा रख के बैठे यस सर उससे थोड़ा आत्मविश्वास झलकता है यस सर पाउ कि मतलब घुटने की दूरी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है थोड़ा okay, सा हल्का सा समेटें ठीक ठीक सर ठीक है और ये सहज रहे उसमें ऐसा करके ठीक ठीक सर थोड़ा सा आप पूरे वार्तालाप में असहज दिख रहे थे और थोड़ी सी बोलने की जल्दीबाजी दिख रही थी यस सर ये प्रॉब्लम शुरुआत से रही है थोड़ा मैं मतलब आप जो जैसे प्रश्न आता है उधर से तो दिमाग क्लिक करता है तुरंत थोड़ा सा तेज है ये पेस है सर ये प्रॉब्लम रही है सर तो उसको सुधारा कैसे जाए इसको बताइए तो उसका एक तरीका यह हो सकता है कि जैसे आपने दो तीन बार अपने उत्तर बदले भी हैं जिससे ये, ये अंदाजा लगता है कि आप में जितनी चिंतन क्षमता है या जितनी सहजता है बुद्धि लब्धि है सर। उसका भरपूर उपयोग ना किया पहले टाइम में तो आप थोड़ा सा रुक के जवाब दिया करिए यस सर दो चार पांच सेकेंड सिर्फ इसलिए रुक जाइए कि सामने वाले को ये महसूस हो कि आप चिंतन के बाद जवाब दे रहे हैं यस सर सोची समझी सचा समझा जवाब है yes. ऐसा एहसास हो yes, और ये न लगे कि आप जल्दी बाजी में बोल जा रहे yes, हैं और फिर बाद में उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हैं। yes, तो पाव में भी लगातार थिरकन है yes, आ, वो आपके अंतरूनी बेचैनी का परिचायक है यस yes, सर तो बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी सुधार प्रशांत जैसे होता है ना कि यस सर ओशन समुद्र में प्रशांत महासागर की गहराई है हाँ तो गहराई ज़्यादा होती है तो आदमी में शांत तो हो जाता है तो आपने गहराई तो समझ की है ज्ञान वगैरह भी काफी अच्छा है आपका तो थोड़ा सा अपने बॉडी लैंग्वेज को शांत रखें ओके सर और ठीक है बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं अच्छी बातें बहुत सारी है एक तो आपके पास तजुर्बा बहुत है पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है आपने डाइवर्सिटी आपके व्यक्तित्व में देखता है और आपके नॉलेज से ही जाहिर होता है कि आप में डाइवर्सिटी है जो भी आपने कहा है चाहे मोटर बाइकिंग हो चाहे क्रिकेट हो आपके पास सारे तथ्य हैं महिला खिलाड़ी हो पुरुष खिलाड़ी हो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी दावा आपने किया हो और उस पर चिंतनशील नहीं रहे सर तो ये सब अच्छी बात है ये सब बड़े फेवर में जाएगा और आपको अच्छे अंक दिलाएगा यस सर हमें बस वही सब दो तीन बातों की चिंता है कि मैं कोशिश करूंगा सर इसको मैं सुधार लूंगा अभी मेरा ग्यारह को पड़ा है सर ठीक है तो 11 को ग्यारह 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस है विवेकानंद जी का, का को सर मक्का पे पहली बार उन्होंने अटैक करके जीता था सर हजरत मोहम्मद साहब ने तो इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट डेट है ठीक है तो ये सब कर लीजिए भारत के सर दू, दूसरे प्रधानमंत्री जी की डेथ भी हुई थी उसी दिन जनवरी छियासठ को ही थी ठीक बात है तो पिछले अटैम्प में कितने मार्क्स आपके आ चुके हैं सर सिक्सटी थे यहाँ पे एक बार दो बार दिया ना एक ही बार ही दिया है यूपीएससी दो बार दिया है सीएपीएफ का एक बार एक बार यूपीएससी का ठीक अभी भी आप लगातार टैप कर रहे हैं सर तो थोड़ा शांत रहिए सिक्सटी सेवन नहीं आपकी पात्रता अस्सी के करीब की है ओके सर आ सकती है आप थोड़ा सा सावधानी बरती है चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सर डियर व्यूअर्स अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें